नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं आपकी बात, बहुत स्वागत है आप सबका। हमारी आज की खास पेशकश है खनन पर खुलासा, जवाब दो सरकार। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए अलख जगाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ नर्मदा की कोख को उजाड़ने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही। ऐसे में खुद सरकार और उनके दावे दोनों विपक्ष के रडार पर हैं। मंगलवार को दो कांग्रेस विधायकों ने बाकायदा वीडियो जारी करते हुए रेत खनन का खुला खेल प्रशासन के सामने ला दिया और इसमें प्रशासन की मिलीभगत के आरोप भी लगाए। आरोप गंभीर हैं, इसलिए अब बारी सरकार की है कि वो इसका न केवल जवाब दे बल्कि तस्करों पर वाकई जमीनी स्तर पर कड़ी कार्रवाई करे। अवैध माइनिंग करते हुए कोई भी वाहन पाया जाएगा तो राजसात किया जाएगा। किसी भी गुंडे और बदमाश को नहीं छोड़ेंगे, अवैध माइनिंग करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। नर्मदा जी को जीवित इकाई माना जाएगा। जीवित इकाई का अर्थ यह है कि नर्मदा जी कोई अधिकार होगा जो एक जीवित व्यक्ति को अधिकार होता है। पांच महीनों तक नर्मदा सेवा यात्रा जारी रही। इसी दौरान हरदा जिले के खनन माफिया पूरी शिद्दत से अपने अभियान में जुटे रहे। उनके काम में रत्ती भर में बाधा नहीं आई। गांव-गांव में दबंगों ने अवैध खनन की कमान संभाल ली है और वो नर्मदा नदी के बीचों बीच से रेत निकाल रहे हैं। हरदा से कांग्रेस विधायक आर के दोगने ने अवैध खनन का एक वीडियो पेश किया है और ये खुला आरोप भी लगाया कि अवैध खनन की शिकायतों पर अधिकारी कान नहीं देते। वहाँ अवैध उत्खनन और बढ़ गया है। नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी उस टाइम एक दो दिन के लिए बंद हुआ था, उसके बाद अब बढ़ गए हैं और डेली के 500 ट्रक हमारे यहाँ के डंपर हरदा से निकलते हैं। ये इनका रेत, अवैध रेत उत्खनन बंद नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है और नर्मदा सेवा यात्रा ढकोसला है। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के पूर्व राजस्व मंत्री कमल पटेल ने मौके पर पहुंचकर अवैध खनन का भंडाफोड़ किया था और कलेक्टर को कार्रवाई के लिए चुनौती भी दी थी। पूर्व राजस्व मंत्री ने हरदा कलेक्टर और एसपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अरे ठेकेदारों के साथ मिलकर खनिज विभाग के अधिकारी और कलेक्टर एसपी का भी उसमें खुला संरक्षण ही मेरा आरोप है। और आरोप भी इसलिए है कि प्रमाणित हो गया कि जब कलेक्टर को मैंने शिकायत की, पहले ज्ञापन दिया कि अधिकारी भेजें, जांच करके पकड़ाइए, डंपर पकड़ाइए, एसपी से कहा, उसके बावजूद उन्होंने किसी अधिकारी को नहीं भेजा। नर्मदा नदी में जारी बेतहाशा खनन से न केवल जल प्रवाह प्रभावित हुआ है बल्कि जलीय जीवों के सामने भी अस्तित्व का संकट उठ खड़ा हुआ है। लेकिन तिल तिल मरती नदियों की फिक्र करने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे खनन के काले कारोबार में सबकी सहमति है। तभी तो नर्मदा से रेत निकालने के लिए नदी के नजदीक तक रास्ते बना दिए गए हैं जिनके जरिए अवैध खनन और परिवहन में लगे ट्रक, डंपर, जेसीबी, पोकलेन आसानी से पहुंच जाते हैं। बारिश के दिनों में यही रास्ते बाढ़ की वजह भी बन सकते हैं। इधर अटेर से नवनिर्वाचित विधायक हेमंत कटारे ने चंबल नदी में हो रहे अवैध उत्खनन का मामला उठाया है। उन्होंने जिला पुलिस और प्रशासन समेत गृह मंत्री पर भी आरोप लगाया है। निशाना साधा है। हेमंत कटारे ने पुलिस और प्रशासन से ये शिकायत की है कि अटेर इलाके के चुम्हो, खिपोना और अटेर घाट से चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। प्रशासन में उनकी शिकायत सुनी नहीं गई। इसके बाद उन्होंने मीडिया में इस मुद्दे को उठाया। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। ये अवैध उत्खनन का मामला है। चंबल घाट से जो है यहाँ पे खिपोना, अटेर और चौमो से निरंतर रूप से यहाँ पे रेत उठाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा कार्य पुलिस के संरक्षण में किया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो इसमें पूरा पूरा भाजपा का भी वो है, रोल है। भाजपा के जो रेत माफिया है ये सब उनसे मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरा गृह मंत्री तक इसमें पैसा जा रहा होगा, तभी खुल के दिन के 12 बजे पे यहाँ पर अभी रेत का उत्खनन हो रहा है। मैंने आपको पूरा वीडियोग्राफी दिखाई उसमें। अवैध खनन से जुड़े आरोप बेहद गंभीर किस्म के हैं और फिक्र में डालने वाले भी। ये तो तय है कि केवल झंडा उठाकर चलने से नदियां बच नहीं पाएंगी बल्कि उसके लिए चौतरफा कोशिश करनी होगी। सवाल है, क्या ऐसा कभी होगा जब सब मिलकर नदियों को बचाने की मुहिम छेड़ेंगे? हरदा से नौशाद खान के साथ हेमंत शर्मा, IBC 24।
तो अभी चंद घंटे बीते हैं उस यात्रा को जिसको ऐतिहासिक बताया गया, जिसको सारी दुनिया में एक अनूठा प्रयास बताया गया। अगर इस जन समर्थन के बाद, जिसका दावा खुद सरकार करती है, अगर इस इतनी बड़ी विराट यात्रा के बाद में ये हाल है कि एक ही दिन में दो दो विधायक एक साथ वीडियो जारी करके अपने अपने इलाकों में अवैध खनन की शिकायतें करते हैं, तो फिर सरकार कहाँ है? फिर सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं इनके ऊपर एक्शन लिया जाता है? और अगर कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसके बारे में अक्सर इस तरह के मंचों पर डिबेट में दावे किए जाते हैं सरकार और प्रवक्ताओं के द्वारा, तो फिर ये कार्रवाइयां क्या नाकाफी हैं, या क्या ये कार्रवाइयों के आगे बढ़कर के खनन माफिया मजबूत हैं? इन सवालों का जवाब भी सरकार को, प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि इसी के संरक्षण के नाम पर इतनी बड़ी यात्रा, इतना बड़ा खर्च, इतना बड़ा वक्त, इतना बड़ा श्रम खर्च हुआ है। हमारे साथ में आज इस वक्त दो खास मेहमान इस विषय पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। गोविंद मालू साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और राजेश सिरोटिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं इस चर्चा में। आज दो विधायकों ने एक साथ आरोप लगाया मालू जी, और वीडियो जारी करके आरोप लगाया। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उनके इलाकों में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कैसे जारी है। और अगर आपने सुनी होगी बाइट, तो कटारे साहब ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि इसमें गृह मंत्री तक की मिलीभगत उनको लगती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन खुलेआम ये खेल चलने दे रहा है, ये उनका आरोप है। क्या कहेंगे आप? एक तरफ यात्रा, दूसरी तरफ इतना बड़ा खनन का खेल, और इस पर सब मौन। देखिए, जहां तक इन आरोपों का सवाल है और वीडियो का सवाल है, कांग्रेस के किसी भी आरोप को हम तथ्य आधारित नहीं मान सकते, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं वो आधारहीन हैं, वो केवल प्रचार पाने के लिए हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है, मुख्यमंत्री की मंशा स्पष्ट है, और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। बार बार अगर दोनों विधायक ये कह रहे हैं कि हम ये वीडियो बता रहे हैं, हम यहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ऐसा जंगल राज मध्य प्रदेश में तो नहीं चल रहा है कि कोई अवैध उत्खनन के बारे में बता दे और वह कार्रवाई ना हो। दूसरी बात, ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर खदानें स्वीकृत है या नहीं। हरदा जिले में मुझे जहाँ तक जानकारी है कि माइनिंग कॉरपोरेशन ने ई टेंडरिंग करके खदानों की स्वीकृति न केवल दी, बल्कि बड़ा रेवेन्यू सरकार को मिला है, और उसकी रॉयल्टी की रसीद वहां होनी चाहिए। यदि नहीं होती तो अवैध परिवहन में वो जब्ती हो रही है। मालू साहब, दो सवाल आपसे मैं भी पूछता हूं, दो पॉइंट आपने रखे हैं। पर अवैध माइनिंग की जब्ती हो रही है जी। मेरी बात सुनिए, अगर अगर सरकार की कार्रवाई नहीं होती तो मैं आपको 2011-12 से लेकर और आज तक इन 5 सालों के दरमियान का केवल अर्थदंड का आंकड़ा बताऊं कि 2011-12 में 11,66,00,000। मालू साहब, सवाल आज अर्थदंड का नहीं है, कृपया सुनिएगा। दो सवाल आपसे सीधे पूछ रहा हूँ, इसका वसूल हुआ था। मालू साहब, आज कृपया करके सुनिएगा, माफिया और तस्करों पर कार्रवाई करती है सरकार की नहीं करती है? मालू साहब, गुंडों को रोकती है कि नहीं रोकती है? बड़े बड़े डकैतों को रोकती है कि नहीं रोकती है? आप वही तथ्य दे रहे हैं जो पहले की डिबेट में, सरकार की तथ्य दे रहे हैं जो पहले की डिबेट में लगातार रखे गए हैं। जहां पर इन वीडियो को क्या आप केवल इस बात पे खारिज कर देंगे कि कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के जिम्मेदार इनको रखा है? दूसरी बात यह कि कमल पटेल जी, जो कि पूर्व राजस्थान के हैं, उनका भी आरोप रहा है, खुला आरोप रहा है, वो तो आप ही के नेता है, क्या आप उनकी बात को भी खारिज करेंगे? वो भी उसी इलाके से आते हैं जहां आप जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पिछले दिनों नरसिंहपुर में बड़े उत्खनन की मशीनों की जब्ती हुई, कार्रवाई हुई, अर्थदंड हुआ। अभी सीहोर जिले में लगातार डंपर पकड़े गए, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? लेकिन ये अपराध की प्रवृत्ति है, तस्कर और माफियाओं की जो प्रवृत्ति है, उन पर अंकुश तो उनको, उनकी गिरफ्तारी, उन पर अर्थदंड इससे लगाया जाएगा, और इससे लगाया जा रहा है। इस बात का जो सवाल पूछा गया, प्रयास किए जा रहे हैं, स्पष्ट को छेदने नहीं दिया जाएगा। आप कहने में और करने में बड़ा फर्क दिख रहा है, इसलिए सवाल बार बार उठता है। कार्रवाई की जा रही है मालू साहब, कर रहे हैं ना, करने में कर रहे हैं ना, बार बार दिख रहा है आपको। एक साल में एक सवाल आपसे पूछा है, माफ कीजिएगा, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, साल में भी आप सुन लीजिए मालू साहब, आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो आंकड़े पहले आ चुके हैं, वो आंकड़े हमारे पास में भी, आप कहेंगे तो हम भी पढ़ के सुना देंगे जी।
पहली बात यह है कि अगर कोई विपक्ष का नेता, खासतौर से जनप्रतिनिधि, वीडियो देकर के ये गंभीर आरोप लगाता है कि इसमें गृह मंत्री तक की सांठगांठ है, जब मुख्यमंत्री जी खुले मंच के कह रहे हैं कि किसी को भी अगर कोई शिकायत है तो वो सीधे आप करें और हम उसकी जांच कराएंगे, तो क्या आप केवल कांग्रेस के नेता ने, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ने अगर कोई गृहमंत्री कमल पटेल के आरोप चरित्र हनन की राजनीति मानता हूं, हाँ विपक्ष का काम है वो बताए कि क्या गलत हो रहा है, कम से कम आप वीडियो की जांच तो कराइए, मुख्यमंत्री गृह मंत्री इसमें शामिल, आप वीडियो की जांच तो कराइए, राजनीति से प्रेरित आरोप बताता हूँ और मैं इस वीडियो की प्रामाणिकता पर ही संदेह है मुझे, जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या होगी, आप प्रामाणिक आरोप लगाइए मतलब प्रशासन को बताइए, मंत्री को बताइए, सरकार को बताइए कि यहाँ ये हो रहा है, आपका काम है, आप बताइए कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ चोरी हो रही, डकैती। लेकिन अगर आप शुरुआती तौर पर ही किसी वीडियो को खारिज करेंगे, आप शुरुआती तौर पर ही खारिज करें, आपने कहा गृह मंत्री ने वीडियो दिया है, शामिल है पर आपको आधार पर वो, मैं तो इसको मानहानि का प्रकरण मानता हूँ कि सीधा गृह मंत्री पर आरोप लगाया जा रहा है, गृह मंत्री शामिल है ये तो आप इस मंच पर कहेंगे कि आप ये मानहानि करने जा रहे हैं, सीधी मानहानि है, आप इस मंच पर कहेंगे कि आप ये मानहानि का आरोप लगाते हुए केस करने वाले हैं, हमको जो करना है हम करेंगे कानूनी कार्रवाई, हम तो ये कह रहे हैं विपक्ष हमने तो किए मानहानि पहले भी किए कांग्रेस के नेताओं पर जब उन्होंने गलत आरोप लगाए हैं, तथ्यहीन आधारहीन बगैर प्रमाण के आरोप लगाए हमने मानहानि के प्रकरण दर्ज किए और आज भी कोर्ट में। राजेश जी क्या कहेंगे आप इस रवैये पर, एक तरफ ये लगातार मुखिया के द्वारा कहा जाता है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सब चोरी, एक दिन में दो दो वीडियो जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि लेकर आते हैं, अगर वो झूठे हैं तो उसकी भी सत्यता की जांच होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए निश्चित रूप से ये मामले जो आए हैं सामने बहुत गंभीर हैं और उनको इस तरह से कि बगैर जांच पड़ताल के या किसी चीज के सिरे से खारिज करना ठीक नहीं है। अगर कोई जनप्रतिनिधि है और वो अपने इलाके की चीजों को बता रहा है तो चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, यहाँ तो कमल पटेल जी खुद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रहे, जिम्मेदार विधायक भी रहे लंबे समय तक, जब वो भी ये बात को कह रहे हैं तो इस तरह से बात करना तो ऐसा लगता है कि हम सुनने को तैयार ही नहीं है और ये प्रवृत्ति लोकतंत्र में ठीक नहीं होती है। जहां तक नर्मदा रेत का उत्खनन जहां तक सवाल है वो अगर साइंटिफिक तरीके से होता है जिससे कि नदी का फ्लोरा प्रभावित नहीं हो, इसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नर्मदा की छाती को छलनी नहीं होने दिया जाएगा, कल प्रधानमंत्री जी ने अमरकंटक में था मैं, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी नर्मदा का अवैध तरीके से दोहन किया है वो गलत किया है, यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा में उसको एक लिविंग वो ऑब्जेक्ट मान लिया है, तो अगर आप फिर आप ये कहते तो नर्मदा जी से रेत निकालने के लिए नर्मदा जी से परमिशन ली है कि आपने अगर लिविंग ऑब्जेक्ट मान रहे हैं या और कोई अवैध उत्खनन कर रहा है आपकी परमिशन के बगैर, तो उन पर आपके एक्शन क्या हो रहे हैं? ये बहुत देखिए अगर रेत जो वहाँ किनारों की रेत को अगर उठाया जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बड़ा पॉइंट आपने मशीनें डालकर जेसीबी के माध्यम से आप नदी के अंदर से पानी, असल में होता क्या हाँ जी आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया, इस पॉइंट के ऊपर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, रेत माफिया है जी जी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको भी बता दूं मैं कि हमारे साथ में साहब जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन चूंकि आज एक बड़ा गंभीर आरोप गृह मंत्री पर लगा है प्रदेश के, वो क्या इस मामले पर कहते हैं सुनवाते हैं, ब्रेक लेते हैं जल्दी लौटते हैं। तो खनन पर खुलासा जवाब तो सरकार, ये हमारा आज का हम जो विशेष चर्चा का विषय लेकर बैठे हैं, एक दिन में दो वीडियो लगा जारी करके कांग्रेस के वरिष्ठ और जिम्मेदार नेताओं ने आरोप लगाए, ये जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने बताया कि उनके इलाकों में कैसे अवैध उत्खनन जारी है। गोविंद बालू जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और राजेश रोटिया साहब भी जुड़े हैं, हेमंत कटारे जी भी हमारे साथ में भिंड से सीधे जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। हेमंत आपने भी एक वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया है, गंभीर आरोप आपने लगाया है, बीजेपी कहती है कि ये चरित्र हनन की साजिश है, एक बात। दूसरी बात यह कि इस वीडियो को आपने कहां से पाया, इसकी सत्यता पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आप इसकी जांच के लिए तैयार हैं? नंबर दूसरा सबसे अहम सवाल यह कि क्या इस वीडियो का आप आगे करने वाले हैं, क्योंकि क्या ये जो आरोप आप पे लग रहे हैं कि आप चरित्र हनन करने के लिए इस तरह के वीडियो जारी कर रहे हैं, इनको आप कितना ठीक मानते हैं, वहां वास्तविकता क्या है? हेमंत सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो हेमंत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं,
बीजेपी के नेता हमारे साथ में कहते हैं कि वो इसे चरित्रहनन की राजनीति के तौर पर देखते हैं, जो वीडियो आप जारी करते हैं इसकी सत्यता पर उनको संदेह, सवाल वो उस पर उठा रहे हैं। कहां से आपको वीडियो मिला, क्या इस वीडियो की जांच कराने के लिए तैयार हैं, जो गंभीर आरोप आपने लगाए हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं, कहिए अपनी बात। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो एक वीडियो मेरे द्वारा जारी किया गया है जिसमें ट्रॉली जा रही है रेत भर के, वो मेरे स्वयं के द्वारा मेरे ही मोबाइल से दिन में की सिलसिला की धूप के समय में कल की तारीख में बनाया गया है, और उसकी दुनिया की कोई भी जांच कर ले, वो वीडियो की सत्यता जो है कोई उससे सवाल नहीं उठा सकता। मैं उस जांच के लिए तैयार हूँ, एक चीज। दूसरा, एक वीडियो और मेरे पास है जो मैं भी मीडिया को नहीं दे पाया हूँ, आप जब मांगेंगे मैं उसको भी दे दूंगा, जिसमें फॉरेस्ट विभाग के ही एक कोई बाबूजी हैं, बाबू उनका पूरा नाम मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, दो चार अधिकारी हैं, वो खुद भी इस चीज का आरोप लगा रहे हैं वहाँ पुलिस प्रशासन के ऊपर कि वहां पे उनके सामने अपहरण होता रहा, उनकी मारपिटाई होती रही, पुलिस आई नहीं, वो पिटने के बाद, आप सोचिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि उनको अटेर से भाग के मुरैना में जाना पड़ा, और मुरैना में जाके उन्होंने थाने में मदद मांगी, तब जाके उनकी सुनवाई हुई, नहीं तो उनकी जान चली गई थी। वो भी मेरे पास वीडियो है, वो तो प्रशासनिक अमले के फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी है। हेमंत, एक बात ये भी कही जा रही है, हेमंत एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर आपके पास में वीडियो है और अगर ये प्रमाणिक वीडियो है आपके मुताबिक, तो इन्हें पुलिस को सौंपकर एक्शन क्यों नहीं करवाते, इन्हें मीडिया में क्यों लाते हैं, ये आरोप लगाने के लिए क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये भी आरोप आया बीजेपी की तरफ से। नहीं नहीं, ये बीजेपी को जो है पूरी जानकारी लेके नहीं बैठ रहे हैं ये लोग, मेरे द्वारा पुलिस को मौखिक शिकायत की गई है, लिखित भी शिकायत की गई, ऐसा है जब पुलिस वाले खुद उत्तरण करवाएंगे तो मैं पुलिस के पास जाके करूंगा क्या? मैंने पूछिए ना यहाँ के एसपी से, आप पूछिए, मैंने उनको बताया कि नहीं बताया। मालू जी आप क्या कहेंगे, आप ये पुलिस के पास में भी है, ये जो आरोप लगा रहे हैं वो इसकी जांच के लिए भी तैयार है, जिसको आपने सिरे से पहले ही खारिज कर दिया। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि केवल हेमंत जी की बात पर मैं कैसे रिलाई कर लूं, मैं आपको कह रहा हूं कि हम खुद भी कई सारे मामलों में प्रशासन को, शासन को चिट्ठियां लिखते हैं, कांग्रेस के विधायक लिखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी लिखते हैं, नेता भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ एक प्रमाण दिया जा रहा है, चिट्ठी की बात ही नहीं, अगर आप भी लिखते हैं तो आपको तो इस बात पर यकीन करना चाहिए कि माफिया ऐसा करते हैं, इसे डिनाई करने की जगह इसको स्वीकार करना चाहिए। मंशा अवैध उत्खनन रोकने की है, अवैध परिवहन रोकने की है, यदि आपने तथ्य परक प्रमाण सहित आरोप, अगर ये प्रमाण सहित कोई जानकारी दी है तो निश्चित प्रशासन उस पर कार्रवाई करता ही है, ऐसा मेरा मानना है। हेमंत, क्या रवैया रहा अब तक इस वीडियो पर और इस तरह के आरोप पर? दूसरे मामलों में तो कार्रवाई होती है, और ये जिस तरह से आप वीडियो जारी करते हैं मीडिया में जाते कही अपनी बात कही पूरी, वक्त बड़ा कम है, गृह मंत्री का क्या लेना देना, उन पर आरोप लगाते हैं, आपके क्षेत्र में गृह मंत्री रहते नहीं है। मालू जी सुन लीजिए क्या उन्होंने किया, एक बार इसे बात नहीं करना चाहिए, कांग्रेस के जमाने में जितना रेवेन्यू नहीं आता था इस रेत से, सुन लीजिए पुनीत जी और आप सब लोग, इतना रेवेन्यू आज आ रहा है, दंडात्मक कार्रवाई से उतना रेवेन्यू आ रहा है, सरकार दंड दे सकती है अवैध उत्खनन वालों के लाइसेंस साफ कर सकती है, उनको गिरफ्तार कर सकती है। मालू जी यहाँ पर आपको क्या, आप इस बात का आश्वासन देंगे कि इस वीडियो की जांच आप करवाएंगे, क्या आप कहेंगे कि आप इस बात की जांच कराएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वीडियो के ऊपर आपको संदेह था? गलत आरोप को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप हो सकता है कहीं कोई गलत हो रहा है तो आप उसकी जानकारी दीजिए, प्रशासन कार्रवाई करेगा। तो वही तो बता रहे हैं कि जानकारी दी और उसका क्या आशय हुआ, आप सीधे गृह मंत्री जी का नाम ले ले, ये तो गलत बात है। हेमंत क्या करने वाले आगे आप? देखिए इन्होंने क्या जानकारी दी, इन्होंने क्या कार्रवाई की, इन्होंने जैसे आप मुझे जानकारी मिल रही है तो मैं भी बात करूंगा कि उनकी जानकारी जब दी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, सच्चाई और सब सामने आ जाएगा, अगली बार जब डिस्कशन पे बैठेंगे तो हम बताएंगे कि क्या किया है। अब आनंद फानंद हम अभी एसपी को फोन नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है, पूरा इस तरह को कर रही है, पूरा पुलिस का थाना पड़ता है उसके सामने से दिन से लेकर रात तक धड़ल्ले से ट्रॉलियां भर के जा रही है, मेरे द्वारा कलेक्टर एसपी सबको बताया गया, जब पुलिस खुद ही करवा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गृह मंत्री का इशारा होगा ना, नहीं तो पुलिस की इतनी वो थोड़ी है मजाक के, वो चलिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, से खारिज करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी भी हैं, राजेश जी ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद की जाए, किससे उम्मीद की जाए? देखिए कटारे जी ने जो गृह मंत्री पर सीधा आरोप जड़ा है इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं मुझे इतना जरूर पता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारे पुलिस अधीक्षकों को फ्री हैंड दे के रखा है, तो ये प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी उन पुलिस अधीक्षकों की है कि अगर उनका निचले स्तर का हमला अगर इस तरह की कार्रवाई में लिप्त है, और जिस ये बात मैं आपको बुद्धि में भी कह सकते हैं और कोई एक आप
स्वतंत्र दल भी जाके वहाँ जांच पड़ताल कर ले, वहाँ होता ये है कि 200 फीट का जो रॉयल्टी चुकाई जाती है और ट्रक में 600 से 800 फीट जो है रेत भरी जाती है। दूसरी चीज ये है कि वो जो गीली रेत है, गीली रेत जो है वो बिखरती नहीं है, उससे वो रास्ते में नहीं बिखरती, इसलिए ये लोग किनारे की रेत जो है वो नदी के बीच है। अगर कोई गृह मंत्री के ऊपर, पुलिस के महकमे के ऊपर इतना संजीदा आरोप लगा रहा है वीडियो देखकर, तो क्या अपने से संज्ञान लेकर इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जबकि आप खुद इतना बड़ा एक अभियान लेकर, कैंपेन लेकर बैठे हुए हैं, क्या आपको स्वयं इस बात की संगीनता गंभीरता जांच नहीं करनी चाहिए इतने संगीन आरोप पर, बजाय ऐसे कि आप सीधे खारिज कर दें? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह दिखाना पड़ेगा कि वो खनन माफिया के साथ नहीं है, वो खनन माफिया करने वालों के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये विश्वास दिला नहीं पा रहे हैं क्योंकि खनन, अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रेतों से, नदी से रेत नहीं निकाला जाना चाहिए, जो सिल्टिंग का कारण बनने वाली रेत है उसको निकाला जाना चाहिए, लेकिन जो नदी के अंदर, पानी के अंदर मौजूद है उसको नहीं निकाला जाना चाहिए। ये सारी चीजें इंश्योर कौन करेगा? ये यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये काम गृह मंत्री का नहीं है, ये खनिज विभाग का काम है, वो परिवहन विभाग का काम है कि वो ओवरलोडिंग होके कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर देखना होंगी और आप इन चीजों से बच नहीं सकते। सवाल ये है कि आपने अगर पुलिस अधीक्षक को फ्री हैंड दिया है तो सरकार को न केवल गृह मंत्री को देखना पड़ेगा, जिसको हमने फ्री हैंड दिया है उसका दुरुपयोग नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर आपकी बात, माफ कीजिएगा मालू साहब, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं जरूर आपसे आपकी बात, लास्ट कमेंट आपका जरूर सुनता। कुल मिलाकर इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर इतना गंभीर आरोप है तो आप इसकी जांच करवा लें और जांच करवा के सत्यता को सामने लाएं, क्योंकि अगर एक भी दाग होता है तो पूरे कैंपेन पर सवाल उठते हैं, मंशा पर सवाल उठते हैं। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत में शामिल होने के लिए। नमस्कार।